वास्तुशास्त्र के से संबंधित इस नए वीडियो में आपका स्वागत करते हुए आज मैं कवि अमृतवाणी आपको एक बहुत ही आवश्यक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कविता के माध्यम से। देखिए सभी मकान बनाते हैं, मकान के अंदर सबसे खास चीज़ होती है किचन हुआ, बेडरूम हुआ, मास्टर बेडरूम हुआ, गेस्ट रूम हुआ, ये सब कमरे हम बनाते हैं। लेकिन इन सब में हमको किस चीज़ का सबसे शुरू से लगाकर अंत तक हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं में से एक चीज़ में आज आपके सामने कुंडली काव्य के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। कविता इस प्रकार है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऐसे कमरे सब बने पूरब रहे ढलान, रूप वर्गाकार रहे रूप धरे भगवान, रूप धरे भगवान पल पल बढ़ता आनंद, खुले आपके भाग्य थे जो वर्षों से बंद, कैवाणी कविराज जिनके पास ना पैसे, सब कुछ स्वत आए बना लो कमरे ऐसे। ऐसे कमरे सब बने पूरब रहे ढलान, निर्माण कार्य में आप ढलान का ध्यान रखें और पूरब में ढलान दें, ये तो साधारण सी बात है। आपको पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, ढलान से संबंधित हमने 2-3 वीडियो पर बहुत डिटेल में चर्चा करी है। रूप वर्गाकार रहे रूप धरे भगवान, देखिए अंदर जो आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो कमरे बनाने जा रहे हैं, उन कमरों का जो स्वरूप है, उन कमरों का जो आकार है, उसकी जो साइज है, लंबाई और चौड़ाई है, वो वर्गाकार होनी चाहिए। वर्गाकार रहने से उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो सकारात्मकता है, वो ज़्यादा बढ़ती है और वो सकारात्मकता आपको बहुत लाभ पहुँचाती है। तो रूप वर्गाकार रहे किचन आपके बेडरूम, मास्टर बेडरूम, चौक, जितना अधिक से अधिक आप उनको वर्गाकार रूप में ढालने का प्रयास करेंगे, आपके प्रयासों से पॉजिटिविटी उससे ज़्यादा आपको प्राप्त होगी। रूप धरे भगवान पल पल बढ़ता आनंद, और स्थिति ऐसी बनेगी जैसे भगवान ही विभिन्न रूप में आपके घर के अंदर किसी न किसी रूप में भगवान ही आपको कुछ खुशियाँ दे रहे हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे। पल पल बढ़ता आनंद, आपके भवन में आनंद है वो प्रतिपल बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी एक चीज़ जो उसका सेप है, कमरों का सेप है, वो पॉजिटिव है। रूप धरे भगवान पल पल बढ़ता आनंद, खुले आपके भाग्य थे जो वर्षों से बंद, आपके भाग्य खुलेंगे, आप जो है अच्छे किस्मत वाले बनेंगे, जो आपके भाग्य वर्षों से बंद थे वो खुलेंगे, आपको तरक्की देंगे, आप थोड़े से प्रयास से ज़्यादा सफलता पर अर्जित करेंगे। ये सभी स्थितियाँ आपको आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन ऐसा होता है। कह वाणी कविराज जिनके पास ना पैसे, वाणी कविराज कहते हैं जिनके पास कभी पैसे नहीं थे, कम पैसे हैं, सब कुछ स्वतः आए बना लो कमरे ऐसे, ये आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे, आपको यश दिलाएंगे, आप वर्गाकार कमरे बनाओ। इस संबंध में मैं आपको ये बात और कहना चाहूँगा कि देखिए मकान के अंदर सभी कमरों का पूर्णतः वर्गाकार बनना कठिन सा होता है, और आज के इस आधुनिक परिवेश में जब प्लॉटों की कीमतें लाखों रुपए हो गई है, एक साधारण सा आदमी एक साधारण सा प्लाट खरीद ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थितियों में जब कीमतें बहुत आसमान को छू रही है, तो अब हमें इस बदलते हुए परिवेश में किस बात का ध्यान रखना, मैं हम वास्तुशास्त्र तो ये कहता है कि आप वर्गाकार कमरा बनाएं, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ कुछ अलग प्रकार की है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई के अंदर सवाया अनुपात रखें, यानी कि 10x12 का कमरा बना लें, 10x12.5-13 बना लें, यहाँ तक ठीक है।
आप कभी कभी ऐसा 10x15 का बना रहे हैं, 10x17 का बना रहे हैं, तो जब हम उसकी 1.5 गुनी लंबाई जब चौड़े से 1.5 गुनी से ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके आउटपुट जो है वो कैपेसिटी ऑफ आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं रहता है। तो जैसे 10x13 का कमरा हो, 10x12 का हो, कोशिश तो ये करें कि जहाँ तक ऐसी परिस्थिति बन जाती है, एक आध कमरा ऐसा हो कि वो परफेक्ट आपके वर्गाकार में हो। और अगर वो जैसे कहीं 7x8 बना रहे हो या 8x10 का बना रहे हो, तो 8x8 बना के देखो, 10x10 बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक आध चीज़ अपने ऐसी सेट करो, और कुछ कमरे जो हैं जो पूर्णतः वर्गाकार नहीं बन पा रहे, आप उनको जो है रेक्टेंगुलर बनाओ, कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा, लेकिन साइज का ध्यान रखें। आप जैसे 12x14 ले लो, 12x15 ले लो, ये बड़े अच्छे साइज है। और इसमें वो ये जो आर्किटेक्ट जो डिजाइने बनाते हैं, ये यूं चाहते हैं कि कम जगह में वो मैक्सिमम फैसिलिटी आपको दे सके, और आप भी यही चाहते हैं, लेकिन दोनों की चाहत तो एक है, लेकिन बात ये है कि प्लॉट का के अंदर जो कमरों का शेप है वो भी अपनी बात चाहता है। अगर आप उसकी चाहत पे खरे नहीं उतरे, तो आपको टोटल जो ओवरऑल जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो उसको आपको लाभ और सुकून मिलेगा, वो कम हो जाएगा। तो याद रखने की, समझने की बात केवल इतनी सी है कि आप जो है कमरों की साइज जब तय करो, तब ये ध्यान रखो कि भाई पूर्णतः वर्गाकार बनाने का प्रयास करें, लेकिन मान लो नहीं बन पा रहा है, तो आप उसकी जो है लंबाई को थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ने दें। लंबाई और चौड़ाई का एक रिश्ता जो है बराबरी का, 1:1 ना रहे कोई बात नहीं, प्रयास करें जहाँ रह जाए वहाँ रखें, और जहाँ नहीं रह पा रहा है वहाँ 1:15 कर लो आप, यहाँ तक ठीक है। 1.5 गुने से ज़्यादा तो आपको कभी बढ़ना ही नहीं है, ये बात ध्यान रखें। 1.5 गुने से ज़्यादा तो किसी हालत में नहीं बढ़ना है। जो और फिर भी अगर आप बढ़े, तो उसके वो सकारात्मकता के रिजल्ट जो है वो कमज़ोर आएंगे, फिर वो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आप मकान के अंदर डेकोरेटिव आइटम कितना कीमती लगा रहे हैं, वो अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो नेचुरल आपको दे रही है, प्रकृति आपको दे रही है, नेचुरल बेनिफिट से जहाँ आपको जुड़े हुए हैं, वहाँ आप उन सिद्धांतों का भी ध्यान रखें। तो आपको जो कीमती सामान लगा रहे हैं, कीमती खर्चा कर रहे हैं, उसका आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा, आउटपुट और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, अगर आपने साइज को अच्छा परफेक्ट मेंटेन किया तो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत लाभ मिल सकते हैं। हम बस इन कविताओं के माध्यम से, कुंडली काव्य के माध्यम से, जो कुछ मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ, हालांकि ये सारी बातें छोटी छोटी है, लेकिन कई छोटी छोटी चीज़ों से भी तो आपका जो समग्र आउटपुट है, समग्र प्रभाव है, बहुत अच्छा बनता है। देखिए, एक मोती है, दूसरा मोती फिर इधर पड़ा है, तीसरा मोती इधर पड़ा है, इससे मोती बिखरे हुए हैं। अगर आपने सब मोतियों को मिला करके एक माला बना दी, तो कितना सुंदर काम हुआ। तो ये मेरी कविताएं हैं, ये मोतियों की तरह हैं, ये किसी के अंदर क्या बात है, किसी में दूसरी बात है, किसी में तीसरी बात है, ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को मैंने कविता के विषय बना करके आप तक पहुंचाने के प्रयास किए हैं। आप अपने चिंतन में, अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में, अपने अंतर मन में इन मोतियों को संभाल के रखें, इनका बेहतरीन उपयोग करें, इनकी चमक बढ़ाएं, साथियों को अवगत कराएं, मित्रों को बताएं। धन्यवाद।